शहर में 15 दिन में दूसरी बार महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ से हमला। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए लगातार सुरक्षा को लेकर वादे कर रही हो, लेकिन जनपद इटावा में महिलाओं की सुरक्षा तो नहीं हो रही है। लगातार महिलाओं के ऊपर हमले जरूर हो रहे हैं, जिससे महिलाएं परेशान हैं। ताजा मामला है इटावा शहर कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर महिला सामान खरीदने आई थी, जहां पर उसके ऊपर किसी ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे महिला के कपड़े जल गए। वही महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मैं सामान खरीद रही थी, पीछे से कोई आके केमिकल डाल के, अब है क्या ये, भगवान जाने। कोई परिचित है ये कोई परिचित व्यक्ति था? मैंने किसी को देख ही नहीं पाया, अंदर दुकान में किसी पीछे होके गया है क्या? तो अंदर घटना घटा रहा है तो सड़क पे क्या करेगा, क्या करने गई थी आप? की घटना है जी, मैं सामान खरीद रही थी मयूर सेंटर सड़क के बगल में। इटावा जनपद में एक बार फिर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 15 दिन में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिकोनिया के पास दूसरी बार महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि महिला बाजार में खरीदारी करने आई थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे महिला के कपड़े जल गए। वही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वही पूरी घटना के बारे में प्रशांत कुमार प्रसाद ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। आज दोपहर थाना कोतवाली के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो कि तिकोनिया बाजार में साड़ी खरीद रही थी, जो कि बाजार काफी भीड़भाड़ वाला है, उसके साड़ी के पिछले भाग पर पैर के पास कोई एक तरल पदार्थ जो है गिर गया था, जिससे उसकी साड़ी चिपक गई और कुछ तरल पदार्थ उसके पैरों पर भी छींटे गिरे थे। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन की। महिला को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसके परीक्षण के पश्चात यह पाया कि उसके साड़ी पर और पैरों पर कोई ग्लू जैसा सब्सटेंस या पदार्थ जो है गिरा था, जो कि काफ़ी चिपचिपा था, जिससे उसकी साड़ी जो है चिपक गई थी और उसके पैर पर भी उसके कुछ छींटे जो है वो पड़े थे। महिला को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। इसी प्रकार की एक घटना आज से 15 दिन पहले भी उसी बाजार में हो चुकी है। इन दोनों घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए बाजार में पूरी सतर्कता बरती जा रही है, वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा रहा है कि इस प्रकार का जो ये केमिकल है वो कैसे गिरा, कहाँ से आया, इस संबंध में छानबीन की जा रही है।